हेलो लवली पीपल, हाउ आर यू। आई एम बैक विद अनदर वीडियो फ्रॉम माय रोड ट्रिप, जहाँ पे मैं उदयपुर में हूँ। और इस बार मैंने सारे उदयपुर के हाई रेटेड रेस्टोरेंट्स विजिट किए हैं। जोमेटो पे इनकी बहुत अच्छी अच्छी रेटिंग्स हैं। और चलिए हम सबसे पहले फर्स्ट रेस्टोरेंट में चलते हैं, जिसका नाम है खंबा घनी। पार्किंग का स्पेसिफिकली मैंने शॉट इसलिए लिया क्योंकि ये काफ़ी ओपन स्पेस पार्किंग है उदयपुर के हिसाब से। उदयपुर में ये रेस्टोरेंट्स एकदम गली गलियों में है, जो गूगल मैप्स भी कभी कभी नहीं ढूंढ पाता है। उसके हिसाब से ये जो पार्किंग स्पेस थी, ये काफी बड़ी थी। ये रेस्टोरेंट ओवरसी करता है लेक पिचोला को, और अच्छा सीटिंग अरेंजमेंट था यहाँ पर लेक के पास। दो लेक में थोड़ी सी काई जम रही थी। आई थिंक ये पहले, मतलब इनकी फोटोज वगैरह में नहीं थी, पर हम यहाँ गए तो थोड़ी काई वाई जमी हुई थी। ये कुछ ऐसा नहीं था कि स्मेल आ रही है या कुछ आ रही है, ब्यूटीफुल ही लग रहा था सब कुछ देखने में, पर अगर ध्यान से देखो तो लगेगा कि हाँ कुछ गड़बड़ है। और हमने सोचा कि चलो स्टार्ट तो हम रीजनल फूड से ही खा के करते हैं, तो दाल बाटी चूरमा खाएंगे। बिटवीन में बता दूँ, मैं राजस्थान से ही हूँ, आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन राजस्थान, तो मैंने बहुत दाल बाटियाँ खाई हुई हैं। तो उसके कंपैरिजन में मैं इसे रेट करूँ तो ये 7 out of 10 थी। एम्बियंस वगैरह ज़्यादा अच्छा था फूड के कंपैरिजन में, फूड ओकेश था। और वैसे इसका प्राइस जो था वो 600 rupees था, तो उसके हिसाब से भी काफ़ी ज़्यादा था। और दाल बाटी चूरमा फॉलोड बाय छाछ भी हमने, और मज़ा ही आ गया। ये सोने का इंतज़ाम कर लिया था हमने। और बिटवीन ये नैपकिंस देख रहे हो, ऐसे वेट नैपकिंस ये एंड में देते हैं। ये मोस्ट ऑफ द उदयपुर रेस्टोरेंट्स में मैंने कल्चर देखा है। माय वर्डिक्ट, इट वाज अ गुड रेस्टोरेंट, पर आगे जो रेस्टोरेंट्स दिखाने वाली हूँ वीडियो में, वो और भी बेटर हैं और वैलेंटाइन पर्सपेक्टिव से ज़्यादा अच्छे हैं अगर आप उदयपुर के आसपास रहते हैं तो। वैसे ये रास्ते में जाते हुए ये लैम्बोर्गिनी कस्टमाइज करी हुई दिख रही थी। उदयपुर में कुछ भी शोशा होती है। और रास्ते में ये गली से निकलते हुए कोई हलीम बनाता हुआ भी मुझे दिख गया, काफ़ी फैसिनेटिंग लगा मुझे, तो मैंने एक शॉट ले लिया। तो सेकेंड रेस्टोरेंट में हम गए थे डिनर के लिए, और मुझे ऑब्वियसली रेस्टोरेंट पे खाने जाना तो अच्छा लगता ही है, पर उससे ज़्यादा अच्छा लगता है डिनर के लिए प्लान करना और रेडी होना। और वैसे भी आजकल तो वर्क फ्रॉम होम ही करते हैं, तो पूरा दिन नाइट सूट में बैठते हैं, तो कभी कभी जो तैयार होने का मौका मिलता है थोड़ा सा, तो उसको गंवाना नहीं चाहिए। सो तैयार होके हम पहुँच गए होटल ट्रिब्यूट में। ये आउट ऑफ ऑल थ्री सबसे ज़्यादा फैंसी था, थोड़ा मॉडर्न टच था इसमें, जो चेयर्स और सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह भी था वो थोड़ा मॉडर्न था। और ये भी ओवरसी करता है लेक पिचोला को। बोला था ना मैंने आगे वाले जो रेस्टोरेंट्स हैं और भी बेटर हैं, तो देखो अंदर घुसते ही एकदम रोमांटिक फील आ गया है। बहुत ही प्यारी सी लाइट्स हैं, डिम लाइट्स हैं, अच्छा सा अंधेरा है, लेक है पास में, तो हल्की हल्की पानी की आवाज़ आती है। और यहाँ पे अपने वैलेंटाइन को लेके जब आओगे तो बहुत एंजॉय करोगे। खाने से पहले हमने ठंडी ठंडी ड्रिंक ली, राजस्थानी ब्रीजर नाम था जिसका। फिर हमने मांस के शोले मंगाए, पर वो दिखाने से पहले मेन्यू कार्ड दिखा देती हूँ। वैसे प्राइजेस थोड़े अपर एंड पर हैं। सबसे बेस्ट तरीका जो होता है किसी रेस्टोरेंट में पता लगाने का कि वो कितना महंगा और सस्ता है, एक तो उसकी कॉकटेल्स मॉकटेल्स के आप प्राइस देख लो, और ब्रेड के कितने प्राइजेज हैं, रोटी नान इसके कितने प्राइजेज हैं वो देख लो, तो आपको एक अंदाज़ा लग जाता है कि ये कितना महंगा और कितना सस्ता रेस्टोरेंट होगा। स्टार्टर में हमने मंगाए मांस के शोले, ये ऑलमोस्ट कीमा टाइप था, तो मुझे ये इतना अच्छा नहीं लगा, पर ओके था ये। उसके बाद मेन कोर्स में हमने मंगाया चिकन झोल और राइस और लच्छा पराठा। ये चिकन मुझे काफ़ी अच्छा लगा, बहुत टेस्टी था, और जैसे कि झोल बोल ही रहे हैं तो ये राइस के साथ ही खाने में मज़ा आता है। वैसे मुझे ये नॉन वेजिटेरियन जो करीज होती हैं वो मोस्टली राइस के साथ ज़्यादा अच्छी लगती हैं, रादर देन पराठा रोटी और नान। लास्ट में हमने एंड किया मलाई कुल्फ़ी के साथ, और यम्मी, वो मलाई कुल्फ़ी बहुत ही अच्छी थी। बेस्ट पार्ट पूरे खाने का वैसे मलाई कुल्फ़ी ही थी। अपनी फ्रूड और ड्रिंक्स एंजॉय करके हम निकल गए अपने होटल की तरफ, वही छोटी छोटी गलियों से जो मैं उदयपुर की आपको दिखाई रही हूँ। सो आई सेव द बेस्ट फॉर द लास्ट। इस रेस्टोरेंट में आने के लिए भी हमें यहाँ पे कार पार्क करनी पड़ी बाहर ही, और अंदर हम ऑटो लेके गए। एक
एकदम ही पतली सी गली में ये रेस्टोरेंट था, और ये रेस्टोरेंट के इधर हमें सब इतना बड़ा ये होटल दिख गया और ये इतना ब्यूटीफुल लग रहा था, तो मैंने इसकी एक वीडियो ले लिया। चलो अब और डिस्ट्रैक्ट नहीं होते और रेस्टोरेंट के अंदर चलते हैं। सो हम आए हैं हरिगढ़, और अंदर घुसते ही एज यूजुअल बहुत ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल आर्टिफैक्ट्स, एकदम लार्जर देन लाइफ दिखाने के लिए बड़ा सा गेट, अच्छा सा एंट्रेंस, फूल वगैरह, थोड़ी सी वाटर बॉडी, और आगे जाते ही आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस एक्चुअली, ये रेस्टोरेंट एकदम हनुमान घाट पे था और इन्होंने एकदम सीटिंग अरेंजमेंट लिटरली घाट के ऊपर ही कर रखा है, और यहाँ से व्यू जो था एकदम ही मेस्मराइजिंग था। वेनिस वगैरह फेल थे इस व्यू के आगे। ये देखो पानी, पानी में लाइट्स गिर रही हैं, ये लेफ्ट साइड में एक ब्रिज दिख रहा है, और घाट पे घंटियों की आवाज़ आ रही है, मंदिर में आरती चल रही है और फुल मून है। आई कांट टेल यू कि क्या माहौल बना हुआ था यहाँ पे, इतना पीसफुल लग रहा था और बहुत ही मेस्मराइजिंग था। इंडिया में इतनी सुंदर सुंदर जगहें हैं घूमने के लिए, और हम आज भी फैसिनेटेड हैं हनीमून पे इंटरनेशनल ट्रिप्स करने के लिए। आप कोई भी वेनिस की वो ब्रिज वाली पिक उठा के देख लो और उसको इस ब्रिज की पिक के साथ कंपेयर कर लो। और इंडिया में जब इन जगहों पे आप घूमते हो तो आप इन जगहों से, इस कल्चर से कनेक्टेड फील करते हो, ज़्यादा पीसफुल लगता है आपको, आपको मेंटल पीस देता है, आपकी एंजाइटी कम करती हैं ये जगहें, रैदर देन जो बाहर आप घूम रहे होते हो वो सिर्फ आप घूम ही रहे होते हो, बस जगह देख रहे होते हो, बाकी तो आप एकदम डिसकनेक्टेड होते हो उन चीज़ों से और उन कल्चर से। इसलिए आप कितना भी बाहर इंटरनेशनल ट्रिप्स वगैरह कर लेते हो आपको वो मज़ा नहीं आता जो आपको सुकून यहाँ पे मिलता है। अब खाने में कुछ भी खिला दो, यहाँ पे वर्थ इट था आना, पर मैं बताती हूँ आपको खाने में क्या क्या खाया। खाना भी अच्छा था, काफ़ी टेस्टी खाना था। ये लास्ट डे था हमारा उदयपुर में, तो मुझे लाल मांस खाना था, बिना लाल मांस खाए तो राजस्थान से जा नहीं सकते। पर मेन कोर्स से पहले स्टार्टर सूप बहुत कुछ खाया, वैसे हमने यहाँ पे काफ़ी कुछ खाया, और हमारा डेटिंग आइडिया जो है वो खाना खाने का है। वी आर ए कपल जो फूड पे बॉन्ड करते हैं, आई एम श्योर ऐसे बहुत सारे कपल्स होंगे जो इससे रिलेट करेंगे। सो शुरू हो गए हम, पापड़ चटनी, ये धनिए का सूप पिया फिर, और ये सीख कबाब मंगाए, इसको ये बोल रहे थे जो नाम था मेन्यू में वो हीरा की बस्ती था, थोड़ा हार्ड था ये पर अच्छा था। और उसके बाद हमने लाल मांस आ गया, उसके साथ लच्छा पराठा खाया, और ये काफ़ी टेस्टी था। अभी एडिट करते टाइम भी मैं ड्रूल कर रही हूँ इस पर, बट लेट्स गेट बैक टू रियलिटी। ये क्वांटिटी इसकी काफ़ी कम थी अकॉर्डिंग टू द प्राइस, पर अभी मैं सब एंजॉय कर रही थी यहाँ पर। और बिटवीन इस सब के बाद हमने और खाना मंगवाया है, और इसके बाद तो वेटर भी बोलने आ गया था कि अच्छा ये अभी आपको खाना है या ये पार्सल करना है। हमने बोला अंडर एस्टिमेट कर रहा है क्या हमें, हमें अभी ही खाना है यहीं पर। एक्चुअली मुझे कड़ी खानी थी, राजस्थानी कड़ी तो खा के जानी थी यहाँ से। और इतना सारा यम्मी यम्मी फूड खाने के बाद हम अपने होटल की तरफ चले, और जाते जाते एक स्पेशल मेंशन करना चाहूँगी कि उदयपुर में हमने बहुत सारा स्ट्रीट फूड भी खाया, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका वैलेंटाइन तभी खुश होगा जब आप उसको महंगा महंगा खाना खिलाओगे फैंसी रेस्टोरेंट्स में। अगर ऐसा होता तो सारे बॉलीवुड कपल्स हमेशा साथ में खुश ही होते, तो आपकी कंपनी उसके साथ ज़्यादा मैटर करती है, और स्ट्रीट फूड का तो वैसे भी कोई और कंपैरिजन नहीं है। विद दैट आई विल टेक योर लीव, एंड आई विल लीव यू विद दिस पिक्चरस व्यू। होप यू आर लाइकिंग दिस रोड ट्रिप सीरीज, एंड आई विल सी यू इन अनदर वन।